दोस्तों हम आज इसमें खिचड़ी बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक प्याज, दो टमाटर, चार हरी मिर्च मैंने कटवा ली है और इसके बाद में 50 ग्राम की लगभग सोयाबीन चंक्स हम ले लेंगे और इसको पानी में भिगो देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से मैं ये पूरा फुल कप भर के 3 कप इसमें डाल देता हूँ। ये है सोयाबीन चंक्स, इसको जो है हमको पानी में भिगो कर रखना है 5 या 10 मिनट के लिए। तो इस तरीके से इसमें हम पानी डाल देंगे और जब तक ये तैयार हो रहा है, दोस्तों हमको खिचड़ी बनानी है तो 3 कप राइस में 1/2 कप हमको मूंग की दाल डालनी है। ये मैंने छिलके वाली दाल इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, और ये हम जो है इसमें मिक्स कर देंगे और इसके बाद में इसकी धुलाई करेंगे। तो ये कम से कम 2 या 3 बार इसे हमको धोना है, इसके बाद में इसको यूज में लेना है। इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। दोस्तों अब हम इसको ऑन करेंगे, तो ये दोस्तों ऑन नहीं हो रहा है। जब तक ये नीचे नहीं बैठेगा जब तक ऑन नहीं होगा। जीरा एंड राइस, ऐसे पकड़ के रखना पड़ता है क्योंकि बार बार स्प्रिंग की वजह से ऊपर उठ जाता है और ये जो है बंद हो जाता है बार बार, इसलिए एक जने को पकड़ के रखना पड़ेगा, एक जने हाथ चलाएगा उसमें। अब ये जो है हल्दी डल चुकी है, थोड़ा सा हल्का सा फ्राई हो जाए इसके बाद में इसमें हम ये जो है खिचड़ी बन गई, जिसमें कि दाल और चावल। इस छह से कुछ नहीं होने वाला, हम इस ढक्कन से इसको ढक देंगे इस तरीके से। 1/2 घंटे का समय लगा है और अब हम देखते हैं कि ये कितना तैयार है। तो ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से दिखा देता हूँ। तो ये देखिए बढ़िया खिचड़ी अच्छी बन चुकी है। ये देखिए दोस्तों, कोई कमी नहीं है इसमें। और अब बस हमको क्या करना है, इसको बंद करके 10 मिनट के लिए रख देंगे और ये अब जो है बिल्कुल पककर तैयार हो चुकी है। ये मैंने इसको ढक दिया।